थिएटर वर्कशॉप्स करती हैं। प्रीति व्यास जो अमर चित्रकथा की राइटर है और कंटेंट क्रिएटर है, इस तरह के लोग इसमें आएंगे तो एक लिटरेचर जोन है और एक आर्ट स्ट्रीट है जहाँ पर कलाओं की बात होगी। तो आर्ट स्टूडियो है, कविता जशोलकर वहाँ रहेंगी, मंदर शेटे वहाँ आएंगे, चित्रकला आर्ट स्टूडियो भी क्रिएट होगा, पूजा जालोरी रहेंगी। इस तरह के बच्चों पे काम करने वाला एकदम नया समूह हमारे देश में इकट्ठा हुआ है और हम इसमें पपेट्री, म्यूजिक, आर्ट्स के अभी तो जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इतना बड़ा है कि हम उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बच्चे इतने उत्सुक हैं और हम ही ने उनकी उत्सुकता को कम किया। आप यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं में अच्छा म्यूजिकल कंटेंट बच्चों को देंगे, आप देखिए कि वो क्यों नहीं यूज करेंगे। तो बच्चों का एक डिजिटल फेस्टिवल हो रहा है, एक गेट्स इट पेरेंट नाम की बड़ी कंपनी है जिसपे 5-1 लाख महिलाएं जो नवजात बच्चों की माताएं हैं वो उस पर आती हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर हैं और खूब सारा कंटेंट उस पर वैसे भी दिया जाता है, वो हमारे द्वारा सपोर्टेड कंटेंट ही है। तो मित्रों ये थीम्स हैं, एक कला महोत्सव, एक साहित्यिक महोत्सव जिसमें सारे देश के बड़े लोग हैं, फिर एक पेंटिंग संबंधी सेपरेट कॉम्पिटिशन और पेंटर्स और मोनोग्राफ्स का पब्लिकेशन जो अभी मौमिक जी आपको बताएंगे, फिर ट्राइबल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट, उनको अलग नहीं करना, उनको साथ में बोलियों और ट्राइबल कम्युनिटी को शामिल